प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मौजूदा खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से जुड़ने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत प्रकृति और आधुनिक आर्थिक गतिविधियों के बीच सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ रहा है। भारत और स्वीडन अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ट्रैक के लीडरशिप ग्रुप का लॉन्च कर रहे हैं। वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर सके, इसके लिए भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहा है। मैं सभी मेंबर स्टेट्स को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में भारत के अनुराग और स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरण सेविका ग्रेटा ने भी दुनिया को समाधान के साथ साथ कार्रवाई करने की बात कही। Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? वर्टिकल रूप से बढ़ता कार्बन हॉरिजॉन्टल समाधान की पहुंच से अभी भी दूर है। दुनिया को अपने प्रयासों को और तेज करने होंगे, नहीं तो प्रकृति की विनाश लीला का भयावह सच किसी भी रूप में सामने होगा और दांव पर सिर्फ और सिर्फ जीवन होगा।